बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन स्टूडेंट्स। मैं आपकी मिस मुनव्वर जो आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगी। आज मैं आपको बायोलॉजी, सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन बताऊंगी। डिफाइन बायोलॉजी। पहला क्वेश्चन आपका है, बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। बायोलॉजी दो अल्फाज से मिलकर बना है। द फर्स्ट वर्ड इज़ बायो, द फर्स्ट वर्ड इज़ बायो, द सेकेंड वर्ड इज़ लोगी। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगी मीन्स स्टडी। बायोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर एक टर्म आ रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो ग़ज़ा भी इस्तेमाल करते हों, अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरी करते हों और हरकत यानी मूवमेंट भी करते हों, वो तमाम ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो हरकत भी ना करते हों और अपनी ग़ज़ाई ज़रूरियात भी इस्तेमाल ना करते हों। तो हम बायोलॉजी में सिर्फ़ और सिर्फ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में मुताला हासिल करते हैं। बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम जानदारों के बारे में मुताला हासिल करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। साइंसदानों ने अपनी आसानी के लिए बायोलॉजी को दो मेजर डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। देयर आर टू मेजर डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। द फर्स्ट मेजर डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी इज़ कॉल्ड जूलॉजी। द सेकेंड मेजर डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी इज़ कॉल्ड बॉटनी। अब जूलॉजी को लेके चलते हैं कि जू मीन्स एनिमल्स, लोगी मीन्स स्टडी। तो जूलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। बॉटनी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी मीन्स प्लांट। बॉटनी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। यानी हम बॉटनी में प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। बॉटनी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब आइए, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कॉमन टू बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी के बारे में मैंने आपको समझाया कि बॉटनी और जूलॉजी क्या है। अब आइए, द फर्स्ट सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन्स एक्सटर्नल। लोगी मीन्स स्टडी। मॉर्फोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यानी कि एनिमल और प्लांट्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल ऑर्गन के बारे में स्टडी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जानवरों और पौधों के एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बारे में मुताला हासिल करते हैं। अब आइए, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यानी कि हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल के टिश्यूज़ के बारे में मुताला हासिल करते हैं। और टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। बहुत सारे सेल आपस में मिलकर एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक जैसे शेप मौजूद होता है, वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। तो हम हिस्टोलॉजी में बहुत सारे एनिमल और प्लांट्स के टिश्यूज़ के बारे में मुताला हासिल करते हैं। अब आइए, एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। एनाटॉमी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। यानी प्लांट्स के आज़ा जो रूट स्टेम लीफ के बारे में हम स्टडी करते हैं। इट डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़। इट डील्स विद द
अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज इन रूट स्टेम लीफ। अब आइए साइटोलॉजी। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। सेल जैसे कि हम एक इमारत बनाते हैं उसमें एक ईंट ये जाहिर करती है कि ये इमारत। फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शनल ऑर्गन एंड एक्टिविटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। फिजियो मीन्स नेचर और फंक्शन। लोगी मीन्स स्टडी। इट्स मीन्स फिजियोलॉजी में हम जानवरों और पौधों के इंटरनल फंक्शनल ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि दिल किस तरह काम करता है, गुर्दे किस तरह काम करते हैं, दिमाग किस तरह काम करता है, ऑल इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इन तमाम के बारे में स्टडी फिजियोलॉजी में आती है। अब आइए इकोलॉजी। इको मीन्स एनवायरमेंट। इको मीन्स एनवायरमेंट, माहौल, हाउस, होम। लोगी मीन्स स्टडी। इकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जानदारों का अपने माहौल से गहरे ताल्लुक का मुताला हासिल करते हैं कि इंसान जो है वो अपने घर से ताल्लुक रखता है, इंसान अपने घर में रहता है, परिंदे अपने घोंसलों में रहते हैं, एनिमल जो लॉयन टाइगर वगैरह वो फॉरेस्ट और पिंजरों में रहते हैं। अगर किसी भी एनिमल को लॉयन वगैरह को कराची में छोड़ दिया जाए तो एक मामा बन जाएगा, क्योंकि उनका माहौल ही नहीं है कि वो बाहर रहें। वो कहाँ पर रहते हैं? वो जंगलात में या फिर कहाँ पर? जू में रहते हैं। इसी तरह तमाम परिंदे घोंसलों में रहते हैं, इंसान घरों में रहते हैं। ना इंसान घोंसलों में रह सकते हैं, ना परिंदे घरों में रह सकते। परिंदे तो घरों में रह सकते हैं लेकिन पिंजरों में, ठीक है। तो इकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जानदारों गांव के माहौल से गहरे ताल्लुक का मुताला हासिल करते हैं। अब आइए एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एम्ब्रियो से मुकम्मल प्लांट बनने तक के अमल के बारे में मुताला हासिल करते हैं। अब आइए टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन and scientific naming of living organism according to the similarities and dissimilarities. Taxonomy biology की वो branch जिसमें हम जानदारों की characteristics की बिना पर, उनकी similarities की बिना पर, उनकी खसूसियात की बिना पर उनको classify करते हैं, उनके group बनाते हैं, उनको अलग अलग groups में रखा जाता है। अब आइए genetics। Genetics is that branch of biology which deals with the study of transmission of heredity character from parent to their offspring. Genetics biology की वो branch जिसमें हम characteristics का parent से उनके औलादों में, offspring औलाद में transformation के बारे में मुताला हासिल करते हैं कि आया parent से characteristics उनके बच्चों में कैसे transfer होती हैं। For example, आप ये देखिए कि eye का color, यानी कि अगर पेरेंट्स की आई का कलर ब्लू है तो उनके बच्चों की आई का कलर भी ब्लू हो सकता है। ये ब्लू कलर की आईज वाली कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग औलाद में ट्रांसफर हुई है। अब आइए प्लांटोलॉजी। प्लांट तो प्लांट मींस एंशियंट स्टडी ऑफ फॉसिल्स। लोगी मींस स्टडी। प्लांटोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स वो तमाम जानदार जो पहले मौजूद थे लेकिन अब नापैद हो चुके हैं, जैसे कि एनिमल्स में डायनासोर जो पहले मौजूद था अब मौजूद नहीं है। तो प्लांटोलॉजी में हम वो तमाम जानवरों के बारे में, तमाम जानदारों के बारे में, तमाम पौधों के बारे में ताला हासिल करते हैं जो पहले मौजूद थे लेकिन अब मौजूद नहीं है, उन्हें फॉसिल्स कहा जाता है। प्लांटोलॉजी को अजीब दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट प्लांटोलॉजी की जो ब्रांच है उसको प्लांटोबॉटनी कहते हैं और सेकेंड ब्रांच को प्लांटो जोलॉजी कहते हैं। प्लांटोबॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स। पीओबॉटनी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स। बात समझ आई? पीओबॉटनी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, यानी कि हम वो तमाम प्लांट्स जो पहले मौजूद थे लेकिन अब वो नापैद हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब आइए प्लांटोजोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स, वो तमाम एनिमल्स जो पहले ज़माने में मौजूद हुआ करते थे लेकिन अब वो नापैद हो चुके हैं, उनके बारे में स्टडी प्लांटो
जूलॉजी में आती है। अब आइए बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल्स, यानी कि बायोकेमिस्ट्री में हम जानदारों का केमिकल्स की बारे में जो रिएक्शंस होते हैं, यानी कि आयरन हमारी बॉडी में मौजूद है उसका क्या इफेक्ट है, सल्फर हमारी बॉडी में मौजूद है, मैग्नीशियम, जो भी तमाम केमिकल्स की बॉडी से जो रिएक्शन की बारे में जो स्टडी है वो बायोकेमिस्ट्री में आती है। केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स, केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जानदारों का उनकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन की जो मुताला है वो करते हैं। अब आइए माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल यानी छोटे, बायो मीन्स लाइफ यानी के जिंदगी, लोगी मीन्स स्टडी। माइक्रोबायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो हमें इंसानी आंख से नजर नहीं आते, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, सच एज वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह वगैरह। अब आप देखें कि माइक्रोबायोलॉजी में वो तमाम जानदारों के बारे में हम स्टडी करते हैं जो हम इंसानी आंख से नजर नहीं आते, जिन्हें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। तो माइक्रोबायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनिमल। माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में मुताला हासिल करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इंसान के अंदर कौन कौन सी बीमारियां कॉज हुई हैं, कौन कौन क्या क्या एनिमल मौजूद हैं। अब आइए बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, टेक्निक मीन्स टेक्निकल, लोगी मीन्स स्टडी। बायोटेक्नोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड। यानी बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम वो तरीके का वो टेक्निक्स जो इंसान की जिंदगी के लिए बेहतरीन है, वो टेक्निक जो इंसान के ऊपर अप्लाई करते हैं और उनकी जिंदगी को बचाते हैं, वो तमाम टेक्निक्स के बारे में स्टडी, वो तमाम तरीकेकार के बारे में स्टडीज क्या कहलाती है? बायोटेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा कि वैक्सीन्स वगैरह जो हम आजकल वैक्सीन जो बच्चों को भी लगाई जाती है, तो वैक्सीन वो दवा होती है जो इंसान के जिस्म के अंदर पहले से ही दाखिल कर दी जाती है और उससे इंसान की लाइफ को बचाया जाता है, इंसान की जिंदगी को बचाया जाता है। वैक्सीन का मतलब ये होता है कि इंसान की बॉडी में पहले ही से एक गार्ड बिठा दिया जाता है, पहले से ही एक दवा दाखिल कर दी जाती है कि अगर इंसान के जिस्म के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दाखिल हो तो वो उसको किल कर दे और वेस्ट मटेरियल के साथ बाहर खारिज हो जाए। तो इसीलिए वो तरीकेकार, वो टेक्निक्स जिनको इंसान के ऊपर अप्लाई करके उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके, तो वो आता है बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी में। तो ये तमाम ब्रांचेस थी जो मैंने आपको बताई। इंशाल्लाह मेरी मैं ये यहाँ पर ख़त्म करती हूँ अपना लेक्चर। वो सेकंड लेक्चर इंशाल्लाह मैं आपको जल्द ही भेजूँगी।